नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताकर विवादों में आया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को सभी से टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट से बचाव के लिए हमें सतर्क और सहज रहने की जरूरत है। साथ ही अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी के विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करके वर्ष 2022 की चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया है। इससे पहले बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण हुई मौतों पर शोक जताते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। मिशन 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी अब भाजपा सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले आएगी। खासकर कोरोना प्रबंधन में सरकार की असफलताओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। वहीं सपा ने सिर्फ महंगाई व बेरोजगारी जैसे आमजनों से जुड़े मुद्दे उठाएगी, बल्कि किसानों, महिलाओं व युवाओं पर भी फोकस करेगी। सपा सरकार के समय जो विकास कार्य हुए हैं उनके बारे में भी जनता को बताया जाएगा। सपा जनता के बीच यह संदेश देगी कि प्रदेश को विकास के रास्ते पर उनकी पार्टी ले जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है। कोरोना नियंत्रण में यूपी मॉडल कारगर साबित हो रहा है। अब राज्य में सिर्फ 1428 एक्टिव केस बचे हैं। आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश कोरोना के कुल सक्रिय मामलों में 19वें नंबर पर है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 90 नए केस सामने आए हैं। अब 5 जिलों में कोरोना का एक भी रोगी नहीं है। वहीं 70 जिलों में कोरोना के 50 से कम मरीज हैं और 34 जिलों में 10 से भी कम रोगी हैं। 2 और मरीजों की मौत के साथ अब तक कुल 22,704 लोगों की जान या खतरनाक वायरस ले चुका है। वहीं यूपी के अलीगढ़, ललितपुर, श्रावस्ती, हाथरस और महोबा कोरोना मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 256,975 नमूनों की भी जांच की गई है। 134 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं राज्य में अब रिकवरी रेट 98.6% बचा है। यहाँ कुल पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो वो भी 2.70% है। देश में सर्वाधिक संक्रमण की बात की जाए तो 6,13,38,782 की जांच भी यूपी ने कर ली है। इस बीच मेडिकल टीमों की मदद से लोगों की स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। अब तक कुल 17.24 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। करीब 64,000 से अधिक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कोरोना को लेकर अगर अपडेट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में संक्रमण लगातार घट रहा है और इसकी वजह यह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल टी मॉडल है वो कहीं ना कहीं बहुत कारगर हुआ और साथ ही सबसे बड़ी चीज जो वैक्सीनेशन दर बढ़ी है वो भी इसकी में बहुत बड़ी वजह है। वैक्सीनेशन को बात करें तो 1 जून से लेकर 30 जून तक 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था। वहीं तमाम ऐसी जांचें हैं जो कराई जा रही है, जीन स्क्रीनिंग कराई जा रही है। ऐसे करके प्रदेश में जितने मॉडल बनाए गए हैं इसको जांच को लेके और जिस तरह सुचारू रूप से सारी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है पूरे देश के लिए ही क्या कहते हैं एक मिसाल बना। जी अभिषेक, जिस तरह से लगातार चल रहा था कि सीतापुर और सुल्तानपुर की बात की जाए तो 90 केसेस वहां पर थे, लेकिन सबसे ज्यादा केसेस अभी तक सुल्तानपुर और सीतापुर में दिखाई दिए, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, अब किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे केसेस वहां पे बढ़े हैं, जैसा कि हाल फिलहाल में हर जगह केसेस कम हो गए हैं। अचानक से केसों का बढ़ना कहीं ना कहीं एक कहते हैं आम जन में भी जो आप देख रहे हैं कि रोड पे बिल्कुल बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो भी सरकार ने नीतियां बनाई कि उसके हिसाब से चलिए कि मास्क का प्रयोग करिए, 2 गज की दूरी बनाइए, कहीं ना कहीं लोगों की जो लापरवाही है उसका एक बड़ा नतीजा है। अगर आप लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी एक समय था कि लगातार बड़े बड़े केसेस आ रहे थे, 500 से 600 केस आ रहे थे, मगर इधर कुछ दिनों की बात की तो मात्र लखनऊ में अगर परसों की बात करें तो 8 केस आए थे और एक भी मृत्यु दर नहीं निकली। और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो बीते कुछ दिनों में 4 से 5 लोग मरे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इस पर जरूर आम जनता को ध्यान देना चाहिए। अभिषेक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो वहां पर 90 नए केस सामने आए हैं। वहीं 5 जिलों में कोरोना का एक भी रोगी नहीं है। 70 जिलों में कोरोना के 50 से कम मरीज हैं और 34 जिलों में 10 से भी कम रोगी हैं। वहीं 2 और मरीजों की मौत के साथ अब तक कुल 22,704 लोगों की जान या खतरनाक वायरस ले चुका है। वहीं यूपी के अलीगढ़, ललितपुर, श्रावस्ती, हाथरस और महोबा में कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 256,000
975 नमूनों की जांच भी की गई है। वहीं सहारनपुर में जिस ब्लॉक में पति सफाई कर्मचारी है उसी ब्लॉक में पहले पत्नी ने बीडीसी चुनाव जीता है और अब बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख के पद पर आसीन हो गई है। जी हां, यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है जो किसी को भी नेतृत्व का अवसर दे सकती है। आपको बता दें कि सफाई कर्मी सुनील कुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ब्लॉक क्षेत्र में वह रोज सफाई करते हैं एक दिन उनकी धर्मपत्नी सोनिया वहीं की ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगी। पहले भी सहारनपुर के बलियाखेड़ी ब्लॉक से सोनिया भाजपा से ब्लॉक प्रमुख का दायित्व संभाल चुकी है। वहीं शासन प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिना रिश्वत के कर्मचारी एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही एक मामला सुल्तानपुर में देखने को मिला है जहां 1000 रिश्वत लेते एक कर्मचारी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल अधिकारी जांच में पुष्टि होने पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि फरियाद लेकर पहुंचे एक व्यक्ति से अधिकारी करीब 1000 रिश्वत लेते नजर आए हैं। रिश्वत लेने के बाद जल्द ही कार्य होने का आश्वासन भी दिया गया है। वही हैरानी की बात यह है कि रिश्वत लेते राजकुमार यादव कैमरे में कैद होते रहे लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। फिलहाल मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने जांच करवाने की बात कही है। अभी ये वीडियो संज्ञान में लाया गया है, हालांकि अभी इसको पूरी तरह देखा नहीं है, परंतु ये बात आरोप संगीन है तो अभी इसकी उच्च स्तर से या तो सीडीओ स्तर से या फिर PDDRDS स्तर से इसकी जांच कराई जाएगी। प्रथम दृष्टया भी यदि ये पाया जाता है तो फिलहाल तत्काल उसको चार्ज से हटा करके आगे यदि ये सत्य पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई। तो सुल्तानपुर से आपको एक खबर बता रहे जहां पर कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये मामला सुल्तानपुर का है जहां पर कर्मचारी 1000 रुपए की रिश्वत लेता नजर आ रहा है। फिलहाल अधिकारी जांच में पुष्टि होने की पर कार्रवाई की बात की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि फरियाद लेकर पहुंचे एक व्यक्ति से अधिकारी करीब 1000 रिश्वत लेते नजर आए हैं। रिश्वत लेने के बाद जल्द ही कार्य होने का आश्वासन दिया गया लेकिन हैरानी की बात यह रही कि रिश्वत लेते राजकुमार यादव कैमरे में कैद होते रहे लेकिन उन्हें इस मामले की भनक तक नहीं लगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। तो अजय, क्या कुछ पूरा मामला है? हेलो अजय, क्या कुछ पूरा मामला है? जैसे कि मैं बता दें कि कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने का मामला है। शासन प्रशासन के लाख दावों के बाद भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अजय, जिस तरह से कर्मचारी का वायरल हो भी वीडियो हुआ है तो इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है? प्रशासन द्वारा अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुल्तानपुर से आपको एक खबर बता रहे थे जहां पर रिश्वत लेते एक कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि कर्मचारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में जिंदों को इंसाफ का दावा सरकार जितना भी करती आई है लेकिन मुर्दों के बारे में क्या कहा जाए। आपको बता दें कि लगभग 3 साल पहले सरकार ने 52 लाख खर्च कर मुर्दों के लिए आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस बनाने की योजना बनाई थी लेकिन 3 साल बाद भी मुर्दों को रखने के लिए आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस अभी तक अधूरा बना हुआ है। इसके बाद इस काम को सीएमओ को हैंडओवर भी किया गया। उसके बाद का अधूरा काम स्वास्थ्य विभाग को पूरा करना था लेकिन विभाग की करनी सामने आ रही है। शासन ने शवों को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में ही 6 फ्रीजर भेजे थे लेकिन उसको प्रयोग में लाने में लगभग 1 साल लग गया। साथ ही 2019 में फ्रीजर तो लगाए गए लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगाने में 1 साल का वक्त लग गया। पोस्टमार्टम हाउस में हर दिन 5 से 10 शव आते हैं। अब सवाल यह है कि 2 फ्रीजर में किसके शव को रखा जाएगा? फ्रीजर हमारा चालू ठीक था, फ्रीजर अभी 2 फ्रीजर हमारे खराब हो गए हैं। जो स्थानीय स्तर पर हमारे मिस्त्री जो इलेक्ट्रिशियन है उसको हमने दिखवाया अभी, तो
उसने कहा कि मैं नहीं बना पाऊँगा, तो जो कंपनी ने फ्रीज़र लगाया है उसको मेरे द्वारा दो दो पत्र भी लिखा जा चुका है और बात भी हम लोगों ने किया है कि जल्दी। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरीके से पूरे देश में कोहराम मचाया था और लोग सांस के लिए बेबसी से दम तोड़ते नजर आ रहे थे, उस समय लोगों को ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत महसूस हुई। इसी कड़ी में आजमगढ़ में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। 15 जून तक 7 ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग हॉस्पिटल में लगा दिए जाने का दावा किया गया था, लेकिन इन दावों पर कोई नतीजा नहीं निकला। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया है कि लालगंज में और अतरौलिया में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है, तरवा अस्पताल में भी जल्द ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा और लालघाट में भी एक दो दिन के अंदर ही जो अड़चनें सामने आ रही हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मंडली अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए सिविल वर्क भी पूरा कर लिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स फंड से आना है, इसलिए थोड़ी देर हो रही है। वहीं चक्रपानपुर में भी 2 कंपनियों के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगना है और इसका काम भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट अपने जनपद हमारे जनपद आजमगढ़ में अतरौलिया में ऑक्सीजन प्लांट हमारा 12 जून को हैंडओवर हो गया है, 12 जून को क्रियाशील भी हो गया है। लालगंज में 15 जून को क्रियाशील हो गया है। लाटघाट में हमारा प्लांट जो शुगर डिपार्टमेंट से मिलना है, सारी हमारी तैयारी हो चुकी है। फाउंडेशन बन गया, सिविल वर्क बन गया है, ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ गया है, बिजली का काम हो गया, पाइपलाइन बिछ गई है। प्लांट कल डिस्पैच शाहिदाबाद से हो गया, आज प्लांट मेरा लाटघाट पहुंच जाएगा और कल वो क्रियाशील हो जाएगा। चौथा प्लांट हमारा 100 बेड तरवा में है, 100 बेड तरवा में लगना है, जिसमें सिविल वर्क और पाइपलाइन का कार्य 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा और हमें पूरी उम्मीद और UPPCL को प्लांट के लिए हम लोगों ने MLA फंड से पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ और उन्होंने कहा है कि हम 20 से 25 तारीख तक हम प्लांट आपको दे देंगे, तो उम्मीद है कि तरवा का प्लांट भी हमारा। वही समाजवादी पार्टी कल प्रदेश में यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है, इसके लिए सपा कार्यालय में बैठक भी हुई है। बैठक समाप्त होने के बाद सपा नेता रामगोपाल वर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी में हो रहे अत्याचार पर सपा प्रदर्शन करेगी और बेरोजगारी के मुद्दों को भी पूरी प्रमुखता से उठाएगी। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है और बीजेपी चाहे जितनी गुंडागर्दी कर ले इसको 2022 में हटा के माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये जनता बनाएगी, ऐसी रणनीति बनाई गई है। और जो भी रणनीति है वो रणनीति टीवी और चैनल पे तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई है और जनता भी तैयार है, चाहे जितना बीजेपी गुंडागर्दी कर ले। वहीं औरैया जनपद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे हैं। संजय सिंह ने सदस्य जोड़ो अभियान के तहत सदस्यों को जोड़ने की बात कहते हुए कहा है कि आगामी समय में यूपी के सभी जनपदों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही साथ सूबे की सरकार को निशाने पर लेते हुए कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। जनसंख्या कानून पर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि 2 बच्चों से अधिक होने पर ग्राम का प्रधान नहीं बन सकते, लेकिन प्रधानमंत्री सांसद विधायक बन सकते हैं। अगर जनसंख्या बिल लाना ही है तो फिर सभी पर समानता से ये नियम लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 7:10 पे प्रभु श्री राम के नाम पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी गई और 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद उसको बेच दिया गया, ट्रस्ट को बेचा गया। आप मुझे बताइए 5,50,000 रुपए प्रति सेकंड, 3,30,00,000 रुपए प्रति मिनट जमीन महंगी होते हुए दुनिया के किसी हिस्से में आपने सुना है? ये काम हुआ है रामलला के नाम, तो जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे?
ये हमें समझना होगा। जो लोग प्रभु श्री राम का नाम लेके आए थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब वो नारा उनका बदल गया है कि रामलला हम आएंगे चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरों से सावधान का पोस्टर लग गया तानपुर में, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा भाजपा का चेहरा तो और कभी बेनकाब नहीं होगा। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।